हम लोग अपने डॉक्टर को दुश्मन मानते हैं क्या? नहीं ना, डॉक्टर तो हमारा दोस्त है एंड वेल विशर है। हम लोग कोई भी प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर नर्व्स देखते हैं, सिम्टम्स देखते हैं, दवाई देते हैं, प्रॉब्लम क्या है बताते हैं। हमारे प्लांटेड एक्वेरियम्स में एल्गे भी एक किस्म का डॉक्टर ही है। ये डॉक्टर कैसे बन सकता है? सच में डॉक्टर ही है या डॉक्टर जैसा काम करता है, बिकॉज एल्गे आपका जो भी टैंक में प्रॉब्लम है उसका एक सिम्टम है। मतलब अगर आपके टैंक में लाइट ज्यादा है तो एक किस्म का एल्गे आएगा, एंड अगर आपके टैंक में फिल्ट्रेशन ज्यादा है, फर्टिलाइजर ज्यादा है या कम है, तो उसके हिसाब से एक कोई ना कोई एल्गे आएगा। मैंने एल्गे के इंट्रोडक्शन वीडियो में आप सबको समझाया था कि मैं एक 5 या 6 वीडियो का सीरीज बनाने वाला हूं अलग अलग एल्गे के बारे में। वो एल्गे क्यों आता है, कैसे दिखता है, उसको कैसे साफ करना है, कैसे क्लीन करना है, एल्गीसाइड या एल्गे रिमूवर यूज करना है नहीं यूज करना है, ठीक है, एंड अगर नहीं यूज करना है तो सिंपल मेथड, इजी मेथड कैसा है उसको कंट्रोल करने का, तो ये वीडियो का प्लेलिस्ट होगा और आप देख सकते हैं। तो ये पहला वीडियो है इंट्रोडक्शन के बाद, और आज हम बात करने वाले हैं डायोटोम्स के बारे में, बिकॉज वो पहला एल्गे है जो आपके टैंक में दिखेगा। प्लांटेड टैंक सेट करने के बाद या कोई भी टैंक सेट करने के बाद वो पहला एल्गे है जो आपके टैंक में दिखने वाला है, तो हम डायोटोम्स के साथ शुरू करेंगे। डायोटोम को कंट्रोल कैसे करना है एंड उसको टैंक से निकालना कैसे है, एक्चुअली निकाल नहीं सकते, कोई भी एल्गे आप निकाल नहीं पाओगे, ऐसा कोई भी टैंक नहीं है जिसमें एल्गे ना हो, होगा ही, बट डायोटोम कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, एंड आज हम वही डिस्कस कर रहे हैं। सो कंट्रोल करना है कोई चीज को तो पहले चीज को समझो, तो डायोटोम को समझेंगे, डायोटोम क्या है, कहां मिलता है, कब आता है, कैसे आता है, फिर हम डिस्कस करेंगे उसको कैसे कंट्रोल करेंगे एंड टैंक को सुंदर कैसे बनाएंगे। और हाँ, ये याद रखो, डायोटोम जाते ही हेयर एल्गे या ग्रीन एल्गे आने वाला है, तो प्रिपेयर रहो, ओके? नो, डायोटोम एक फोटोसिंथेसाइजिंग एल्गे है, मतलब प्लांट्स जैसा ही वो भी कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। दुनिया का 20-30% ऑक्सीजन डायोटोम्स के वजह से आता है, एंड डायोटोम्स मरीन या सॉल्ट वाटर, फ्रेश वाटर, सॉइल में या जहां पे भी थोड़ा नमी है, मॉइस्चर है, गीला है, वहां पे डायोटोम होगा ही। नाउ प्लांटेड एक्वेरियम जब आप सेट करते हो तो पहले 2 हफ्ते में आप साइक्लिंग करते हो, ठीक है? ये साइक्लिंग के फेज में आपने लाइट भी ऑन किया हुआ है, फर्टिलाइजर भी डालते हैं, फिल्टर भी ऑन है, एंड फिल्टर में जो बैक्टीरिया है वो ऑफकोर्स अमोनिया को तोड़ रहा है, नाइट्रेट बनता है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया उसको फाइनली नाइट्रेट बनाता है, वो सब टेक्निकल छोड़ो साइड में, इट्स सिंपल। सो ये पूरा साइक्लिंग का सिस्टम है, एंड ये सिस्टम में जब टैंक साइकिल होने लगता है या साइकिल होने के कगार पे होता है एंड बैक्टीरिया कॉलोनाइजेशन अच्छा है, तब आपको डायोटोम आएगा। डायोटोम को हम ब्राउन एल्गे भी बोलते हैं, सिंपल, बिकॉज वो ब्राउन कलर का है तो ब्राउन एल्गे हो गया, बट एक्चुअली ब्राउन एल्गे मरीन में ज्यादा मिलता है, प्लांटेड में उसे डायोटोम बोलते हैं, एंड इट्स जस्ट अ टर्म, बट आप ब्राउन एल्गे बोलोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायोटोम्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इकोसिस्टम्स में, मरीन इकोसिस्टम हो, सॉल्ट वाटर हो या हमारे फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, बिकॉज डायोटोम्स नॉट ओनली ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, बहुत सारा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, एंड ये ऑक्सीजन ऑफकोर्स रिवर से लेके समुंदर तक भी जाता है, बट ऑल्सो वो बहुत सारे फैटी एसिड रिलीज करते हैं, एंड खुद इन्वर्टिब्रेट्स मतलब श्रिम्प्स के लिए, छोटे फिश के लिए खाना बनते हैं, ओके? नाउ जब ये डायोटोम्स नदी से निकल के समुंदर में जाते हैं तो वहां पे भी इन्वर्टिब्रेट्स, छोटे मरीन इंसेक्ट्स वगैरह डायोटोम्स खाते हैं, एंड उन इंसेक्ट्स को बड़े वेल तक
खाते हैं। तो ये डायोटोम होना बहुत जरूरी है। तो हमारे सिस्टम में भी जब साइक्लिंग खत्म होता है या साइक्लिंग पीरियड खत्म होने के कगार पे होता है तो डायोटोम आता है, एंड तो वो आपके लिए एक इंडिकेशन हो गया ना कि आप वो टैंक में एल्गे ईटर्स, श्रिम्प्स जैसे अमानो श्रिम्प या चेरी श्रिम्प वगैरह डालें, बिकॉज उनको खाना रेडी है। ठीक है, नाउ ऑटोसिंक्लिस एंड अमानो श्रिम्प जो है डायोटोम बहुत चाव से खाते हैं, बहुत जल्दी बढ़ते भी हैं। तो डायोटोम नजर आते ही आपका पहला स्टेप वही होना चाहिए, वाटर चेंज वेरी इंपॉर्टेंट, बट ऑल्सो एल्गे ईटर्स ऐड करना, ऑटोसिंक्लिस, ब्रिसल नोज, अमानो श्रिम्प, चेरी श्रिम्प, ये सब गुड डायोटोम ईटर्स है। नाउ डायोटोम्स के लिए भी हमारे फिश और प्लांट्स के जैसा पानी अच्छा होना चाहिए, राइट पीएच होना चाहिए, राइट सैलिनिटी होना चाहिए अगर मरीन है तो। तो इसलिए मैंने बोला या स्टार्ट किया कि साइक्लिंग पीरियड के बाद, मतलब अगर आपका टैंक ठीक से साइकिल हुआ है, पानी अच्छा है, अमोनिया नहीं है, तो डायोटोम आएगा। और डायोटोम आने का मतलब है कि आपका टैंक साइकिल हुआ है। ओके, डायोटोम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं दो बार बोल चुका हूं। तो अगर आपके टैंक में डायोटोम नहीं आया तो प्रॉब्लम है। सो डायोटोम अभी आता क्यों है, राइट? हमने डायोटोम के बारे में समझा, डायोटोम के बारे कहां है, कैसा है, इंपॉर्टेंट है, ये सब बात हमने डिस्कस किया, लेकिन आता क्यों है? सो ये डायोटोम आता क्यों है, ठीक है? नाउ जो मैं बात बोलने वाला हूं आपको कंफ्यूज करने वाला है, लेकिन मैं समझाता हूं, टेंशन मत लो। अगर आपका टैप वाटर या सोर्स वाटर खराब है या गंदा है तो डायोटोम आएगा, ठीक है? अगर आपका टैंक का साइक्लिंग ठीक नहीं हुआ है, करेक्टली नहीं हुआ है, ठीक है, या इमेच्योर हुआ है तो डायोटोम आएगा। अगर आपका टैंक ठीक से साइकिल हो गया तो एंड में डायोटोम आने वाला है, बिकॉज थोड़ा इंबैलेंस हो सकता है फर्टिलाइजर का या लाइट का या CO2 का, ठीक है, हल्का सा कुछ इंबैलेंस हुआ तो आएगा। नाउ बहुत लोग यू नो डू इट योरसेल्फ सॉइल बनाते हैं, यू नो मिट्टी उठा के बनाते हैं, उसमें कोई मिनरल ज्यादा हो सकता है, कोई अंश ज्यादा हो सकता है, यू नो, तो उसमें भी, उसके वजह से भी डायोटोम आएगा। नाउ कुछ लोग अपना जैसे ADS ऑयल या कोई एग्जॉटिक सब्सट्रेट भी यूज करते हैं, तो भी अगर इंबैलेंस है फर्टिलाइजर का, लाइट का, CO2 का, तो डायोटोम आने वाला है, राइट? सो मैंने बोला कि आपके जो साइक्लिंग पीरियड एंड होने के कगार पे अगर है टैंक, तो डायोटोम आने वाला है, और आता है बिकॉज ऑफ दिस इंबैलेंसेस। बट डायोटोम आना अच्छा है, अगर डायोटोम आया तो आप एल्गे ईटर्स डालो, श्रिम्प डालो, ठीक है, बैलेंस ठीक करो, चेक करो आपका फर्टिलाइजिंग करेक्ट है क्या, डोजिंग करेक्ट है क्या, बिकॉज यूजुअली फर्स्ट 2 वीक्स में हम डोजिंग कम करते हैं, ठीक है, जो प्लांट्स वगैरह हमने डाला है उसका लीफ वगैरह डेड डीके मैटर ज्यादा होता है, तो हमारा वाटर चेंजेस करेक्ट है क्या, हम नीचे से कचरा निकाल रहे हैं क्या। नाउ ये टैंक के बारे में मैं आपको आज बताना चाहता हूं, बिकॉज ऑफकोर्स अपना नेक्स्ट पॉइंट है कि डायोटोम को निकाले कैसे। नाउ ये टैंक कुछ 6 महीना पुराना है, डायोटोम आया, ठीक है, तो मैंने सोचा अरे डायोटोम ही है ना, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, डायोटोम तो आने वाला है, तो हमने थोड़ा वाटर चेंजेस किया, एल्गे ईटर्स डाला, यू नो ऑटोसिंक्लिस डाला, ब्रिसल नोज डाला, थोड़ा श्रिम्प डाला, फिश भी डाला उसके बाद, ओके, बट दैट वॉज द फर्स्ट स्टेप, तो हमने डाला, बट डायोटोम जा ही नहीं रहा है। सो सर अरे ये क्या हो गया, ऐसे कैसे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो हमने फिल्टर क्लीन किया, फिर से वाटर चेंज किया, लाइटिंग करेक्ट किया, फर्टिलाइजर को मेजरिंग करेक्ट किया, एंड इसमें सॉइल थोड़ा था, मैंने एक पोटली में डाल के नीचे डाला था, बिकॉज ज्यादातर सैंड ही है ये टैंक में, तो सब चेक किया, लेकिन डायोटोम जा नहीं रहा। सो से भाई कुछ तो सीरियस प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्या था, हमने जो स्टोन यूज किया था उसमें सिलिका ज्यादा है या सिलिकेट ज्यादा है, तो सिलिकेट लीच हो रहा था पानी में, एंड डायोटोम अगर पानी में सिलिकेट है तो आएगा जरूर और रहेगा, ठीक है। सो कॉमन कॉजेस जो है मैंने ऑलरेडी बताया, बट ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा एक सिचुएशन हो
कि जहां पे आपने जो स्टोन यूज किया वो गलत था। नाउ मैंने इसमें लावा स्टोन यूज किया, मैंने चेक भी किया था, बट आई डिडंट चेक फॉर सिलिकेट, बिकॉज यूजुअली हम लोग जो लावा स्टोन मंगाते हैं जो आता है कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, मैंने भी नजरअंदाज कर दिया, होता है। ओके अब किसी से भी ये गलती हो सकता है, बस इट्स नॉर्मल, बट उसको करेक्ट कैसे करें, ठीक है। सो नाउ हम देखेंगे कि जनरली अगर डायटोम आता है तो कैसे यू नो क्या करना है, कैसे मेंटेन करना है, इजिली कैसे निकाल सकते हैं, एंड मैं उसके अंत में ये बताऊंगा कि आपको ये जो स्टोन का इश्यू है, सिलिकेट का इश्यू है, उसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप देखते रहो। तो डायटोम क्लीन करने के लिए सिंपल मेथड्स है कि आप सिंपल एक साइफन पाइप यूज करो, साइफन पाइप से जितना भी सैंड के ऊपर या सॉइल के ऊपर डायटोम है वो निकालो, एंड ऑफ कोर्स साइफन पाइप से अगर प्लांट के ऊपर भी कोई डायटोम है आप निकाल सकते हो, कार्पेट प्लांट्स या डेट्रिटिस होगा वो भी निकालो, गंदगी निकालो तो डायटोम जल्दी जला जाएगा। एंड यस, अगर प्लांट्स के ऊपर है तो आप टूथब्रश यूज कर सकते हो, टूथब्रश के साथ एक साइफन यूज करके ब्रश करते करते वो पूरा जो भी डायटोम है साइफन पाइप में सक हो जाएगा। एंड ऑफ कोर्स आप टूथब्रश से स्टोन ब्रश कर सकते हो, वुड ब्रश कर सकते हो, एंड टूथब्रश इज वेरी यूजफुल, ग्लास का कोना भी ब्रश कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स ग्लास क्लीन करने के लिए एक एल्गी स्क्रेपर या ऐसा कोई चीज यूज कर सकते हैं जो आसानी से ग्लास को क्लीन कर दे, अपना हाथ जो है वो बेस्ट है ग्लास क्लीन करने के लिए। एंड अगर ग्लास क्लीनिंग के बारे में और डिटेल जानना है तो वीडियो है। डायटोम ज्यादातर ग्लास में आता नहीं है, ज्यादातर प्लांट के ऊपर, स्टोन के ऊपर, सैंड के ऊपर बहुत ज्यादा आता है, तो साइफन पाइप आई बिलीव इज द बेस्ट ऑप्शन। एंड हमेशा नए प्लांटेड टैंक में आप ये पक्का करें कि जितने भी आपके प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं प्लांट्स के बीच में जाके कचरा निकाले, ये बहुत जरूरी है। तो अभी आपने देखा ना कि कैसे हम साइफन पाइप से एंड यू नो सैंड हिला के या टूथब्रश से हम लोग डायटोम्स को निकाल सकते हैं इजिली। ओके, ये बहुत सिंपल मेथड्स है, कोई कॉम्प्लिकेटेड मेथड्स नहीं है, ये डे टू डे वाटर चेंज में आप काम कर सकते हो, ठीक है। नाउ हमें डिस्कस करना है, बिकॉज ये टैंक अभी बहुत सीरियस हो गया, ठीक है। अभी जैसे आपने देखा है वो डायटोम जाके ग्रीन हो गया, ब्राउन से होके ग्रीन हो गया, ग्रीन एल्गे। नाउ टू इश्यूज, जैसे मैंने बोला अगर स्टोन में या सैंड में सिलिकेट लेवल ज्यादा है तो डायटोम ब्लूम होता है, बिकॉज डायटोम के लिए सिलिका जो है, अगर पानी में सिलिका ज्यादा है तो उसके लिए खाना बनता है, और अगर खाना मिला तो ज्यादा ग्रोथ, तो डायटोम ब्लूम हो जाता है। नाउ ये नेक्स्ट फेज में चालू हो गया है, डायटोम कम होने वाला है और हो रहा है, ओके, बट ग्रीन एल्गे आ रहा है एंड ब्लैक ब्रश भी आ रहा है बिकॉज इसमें न्यूट्रिएंट इंबैलेंस भी है, ठीक है। सो पहले हमको सॉल्व करना है ये सिलिकेट का प्रॉब्लम, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स साइमल्टेनियसली हमें ये न्यूट्रिएंट लेवल्स भी कंट्रोल करना है, मतलब डोजिंग एडजस्ट करना है, ओके। सो पहला चीज जो है हम लोग क्या करेंगे, ये टैंक के फिल्ट्रेशन में हम सीकेम का फॉसगार्ड या प्यूरिजिन डाल सकते हैं। प्यूरिजिन एक्स्ट्रा मिनरल्स निकालेगा, फॉसगार्ड जो है सिलिकेट को न्यूट्रलाइज करेगा, ओके। या एक्वा एल का भी एक एक्वा एल करके ब्रांड है, उसका भी एक प्रोडक्ट है जो फॉस्फेट्स निकलता है, ठीक है। आप ये फोटो देख लो, प्रोडक्ट का डिटेल आपको पता चल जाएगा। नाउ ये दोनों चीज फिल्टर में जाना चाहिए, और अगर फिल्टर में जाता है, पानी फिल्ट्रेशन हो रहा है, तो ये टैंक में हफ्ता 10 दिन में वो प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। नाउ यहां पे फर्टिलाइजर इंबैलेंस। नाउ ये टैंक कुछ 500 लीटर का है, ओके, 540 लीटर्स, बट देन स्टोन वुड वगैरह है तो वॉल्यूम प्लस माइनस आप 500 पकड़ के जा सकते हो, 180 60 60, ओके, 180 55 55 एक्चुअली। नाउ ये टैंक में फर्टिलाइजर कितना ऐड करें, नाउ ये टैंक में एडीए के हिसाब से हमें 25 25 ml रोज डालना चाहिए, लेकिन हम 15 15 डाल रहे हैं। नाउ वो सही है क्या, ऑलरेडी कम डाल रहा है, तो कम के वजह से हमें एल्गे आ रहा है क्या। नाउ अगर उससे भी कम करते हैं तो प्रॉब्लम क्या होगा, या ज्यादा करें। नाउ इसको अंडरस्टैंड कैसे करें, तो हमने ऑलरेडी फिल्टर में
यू नो वो फास्ट गार्ड वगैरह डाला है, ठीक है, प्यूरिजिन वगैरह। सो एक हफ्ता देखेंगे 15-15 डाल के, जो कंटिन्यू करेंगे देखेंगे क्या सिचुएशन हो रहा है, ठीक है। देन आप नेक्स्ट वीक आप डिसाइड कर सकते हो, अगर एल्गे ज्यादा हुआ देन आप फर्टिलाइजर को कम कर सकते हो, अगर एल्गे कम हुआ ओके तो आपका डिसीजन होगा 15 दिन में या 20 दिन में कि फर्टिलाइजर ज्यादा ऐड करें। बट अगेन तब आप प्लांट्स का ग्रोथ को देखने वाले हो, अगर प्लांट ग्रोथ अच्छा हो रहा है, यू नो फोटोसिंथेसिस अच्छा हो रहा है तो मेंटेन करो, अगर प्लांट ग्रोथ नहीं हो रहा है, जो एक्सपेक्टेड नहीं हो रहा है, देन आप इंक्रीज कर सकते हो। सो ये बेसिक मेथड है आपको एल्गे कंट्रोल का। एक और मेथड है कि हम बिना सोचे समझे एल्गे रिमूवर डाल दें, बट मेरा समझदारी ये कहता है कि पहले प्रॉब्लम को समझो। डायोटोम या कोई भी एल्गे एक सिम्टम है, प्रॉब्लम समझाता है, प्रॉब्लम को समझो, ट्राई टू सॉल्व इट, डोंट गो फॉर शॉर्टकट्स। शॉर्टकट्स में आपको समझ में नहीं आएगा कि प्रॉब्लम क्या है। नाउ फाइनली ये टैंक में मैं थोड़ा और, यहां पे मैंने बॉलबाइटिस ऐड किया है, मैं थोड़ा और बॉलबाइटिस या कोई भी ऐसा प्लांट ऐड करने वाला हूं जो ऊपर आता है। हो सकता है मैं सिंपल मनी प्लांट भी डाल दूं, बेसिकली नाइट्रेट कम करने के लिए टैंक के अंदर। सो मैं इस्तेमाल करने वाला हूं कंट्रोल के लिए मेथड्स, ओके। मैं जल्दी में नहीं हूं, गाय में नहीं हूं एक एल्गे रिमूवर या ऐसा कोई लिक्विड यूज करने के लिए, बट यस अगर आप यूज करना चाहो तो अच्छा क्वालिटी का एल्गे रिमूवर्स अवेलेबल है, जैसे एपीटी का फिक्स, ठीक है, एंड मेनी अदर गुड प्रोडक्ट्स मार्केट में है, आप डिसाइड करके ले सकते हो, ठीक है। सो मैं आशा करता हूं कि ये हमारा जो एल्गे का पहला वीडियो डायोटोम के बारे में आपने डिटेल में समझा, डायोटोम क्या है, डायोटोम क्यों आता है, डायोटोम को कैसे कंट्रोल करें, एंड मैंने एक प्रॉब्लम टैंक भी आपको दिखा दिया है, ओके। तो ऑफ कोर्स मैं आशा करता हूं कि आप अपना भी प्रॉब्लम समझदारी से एंड पेशेंटली यू नो आप सॉल्व करोगे, ठीक है। एल्गे डॉक्टर जैसा है, एल्गे हमारा दोस्त है, एल्गे हमें अपना टैंक में जो प्रॉब्लम है वो दिखाता है, दर्शाता है, समझाता है, एक सिम्टम है, तो एल्गे होना जरूरी है। नाउ मैं हमारे बैंगलोर गैलरी में हूं, ओके, ये टैंक हमारे बैंगलोर गैलरी में है, तो आप अगर बैंगलोर में हो या बैंगलोर के आसपास हो तो जरूर आना, देखना, एंड आपका भी फीडबैक देना, ओके, आई विल बी वेरी हैप्पी। सो हमेशा की तरह मेरे तरफ से, आज कैमरामैन अनिल चैनोय की तरफ से एंड मेरे पूरे टीम की तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदाफिज, शबाखैर एंड सत श्री अकाल। अगला वीडियो ग्रीन एल्गे के बारे में, बिकॉज दैट इज द नेक्स्ट एल्गे डायोटोम के बाद जो आपके टैंक में दिखने वाला है, ठीक है। तो प्रिपेयर करो, देखो क्या सिचुएशन है, आपका टैंक में कौन सा एल्गे है, कमेंट्स में लिखो एंड वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग दिस मैटर। Now, ये एल्गे का जो मैटर है, अगर आपको ठीक से समझना है तो कमेंट्स में लिखना है प्रॉब्लम क्या है, क्यों है, कैसा दिखता है वगैरह वगैरह वगैरह, एंड मैं आपका पूरा सपोर्ट करूंगा, मदद करूंगा कि ये एल्गे या कोई भी एल्गे आप कंट्रोल करें, ठीक है। जल्दी मिलेंगे, मेरे को कमेंट्स देखना है, ओके, बाय।